आंसर मिला क्या बच्चा लोग बता। चलो देखो कैसे करते हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² को लेट से थीटा बना देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 1 - x² तो कॉट थीटा चाहिए, ये थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, लेट से ये थीटा हो गया, साइन थीटा इज ये 1 - x², ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये मॉड एक्स हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 आएगा। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा इज मॉड एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x², कॉल दिस बी 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो साइन ऑफ 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स √6x को अपॉन ले लेते हैं, लेट से बीटा, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √6x। ठीक है। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बीटा हो गया √6x, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 + 6x² ऐसा। तो अपन को क्या चाहिए, साइन बीटा चाहिए, तो साइन बीटा कितना हो गया, साइन बीटा इज इक्वल टू √6x अपॉन अंडर रूट 1 + 6x² कॉल दिस बी सेकेंड। अच्छा अब ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देना, और बोला जा रहा है कि एक्स 0 नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने पे क्या होगा, मॉड एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² इज इक्वल टू √6x अपॉन अंडर रूट 1 + 6x² आ जाएगा। देख लो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सब पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव आना चाहिए, x नेगेटिव नहीं आना चाहिए, याद रखना। और इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² 1 + 6x² इज इक्वल टू √6x² टाइम्स 1 - x² और ये x² + 6x⁴ इज इक्वल टू √6x² - 6x⁴। सो हाउ मच इट इज, 12x⁴ - 5x² इक्वल टू 0। ना x² कॉमन, 5 दिस इज 12x² - 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0 या फिर x का वैल्यू √5/12 ये आएगा। अब क्वेश्चन में ये गिवन ही है कि x 0 नहीं है, तो आप 0 हटा दीजिए, और यहाँ पे देखा जाए तो x नेगेटिव नहीं आ सकता, सो एक्स कैन नॉट बी -√5/12। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, √5/12 इज दी ओनली आंसर, दिस इज दी आंसर। देख लो बच्चा क्या इतनी बार समझ आई, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किसी से आया था क्या इसका आंसर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट 10 इनवर्स, 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x वेयर वेयर -π/2 x < 3π/2। और इनफेक्ट मुझे ऐसा लगता है इवेल्युएट से अच्छा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
टेन इनवर्स, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। चेक करो, कैन वी राइट लाइक दिस, क्योंकि साइन एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऐसा, ठीक है ऐसे लिखा जा सकता है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है ना, इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कितना हो जाएगा, cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर ऐसा। देखो यहाँ पे cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2 ये खत्म हो जाएगा, और ये 10 इनवर्स क्या होगा, cos x by 2 minus sin x by 2 अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऐसा ये सिचुएशन। देखो यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवीजन कर दीजिए, टेन इनवर्स ये मिलेगा वन माइनस टेन एक्स बाई टू आ जाएगा, और अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू ऐसा सिचुएशन। और ध्यान से देखो ये हो क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये देखो टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला दिया हुआ है, टेन इनवर्स पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, चेक कर लीजिए ठीक है। अच्छा अब एक्स का रेंज भी गिवन है, एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, ध्यान से देखो एक्स का रेंज है माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई बाई टू, तभी टू से डिवाइड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर लेस देन एक्स बाई टू लेस देन थ्री पाई बाई फोर, ठीक है। और इसमें से पाई बाई फोर और सबट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर लेस देन पाई बाई फोर सबट्रैक्ट करें तो ये पाई बाई टू आ जाएगा, चेक करो। तो कहने का मतलब कि ये जो नंबर है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की रेंज में ही लाई करेगा, तो ये तो अपनी डिजायर रेंज में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, यही आंसर आएगा, देख लो बेटा दिस इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई, नोट इट डाउन। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ इफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड is equal to 3 pi by 2, then find the value of x to the power 100 plus y to the power 100 plus z to the power 100 minus 9 upon x to the power 101 plus y to the power 101 plus z to the power 101, answer correct। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। देखो यहां पे याद रखने वाली बात है कि इसमें तीन वेरिएबल है ना, और एक ही इक्वेशन गिवन है, और
फिर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम लगेगी, मतलब कुछ लॉजिक लग रहा होगा। तो याद करो कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज आती है वो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में होगी, है ना, और इन तीनों का सम थ्री पाई बाई टू है। तो ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है। कब पॉसिबल हो सकता है? जब साइन इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू हो, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाई टू हो और साइन इनवर्स जेड भी पाई बाई टू हो। यदि ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन होना चाहिए। तो उस समय इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या, वन प्लस वन प्लस वन माइनस नाइन अपॉन नाइन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, ऐसा हो गया। तो दैट इज थ्री माइनस नाइन बाई थ्री आ जाएगा, थ्री माइनस नाइन बाई थ्री आ जाएगा, और ये कितना आएगा, थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो। तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सम सर, यस, आप फिर से एक बार पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं? एक सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वेट अ मिनट। हाँ देखो, क्योंकि ये इनका सम थ्री पाई बाई टू है ना, और सम तीनों का थ्री पाई बाई टू एक ही सिचुएशन में अचीव हो सकता है जब ये तीनों का ही वैल्यू पाई बाई टू हो। क्या इतनी बात समझ आई? ये एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम हो गई है। हाँ सर, लिखो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा ये चीज याद रखो कि कौन कौन से ग्राफ आधे एक्स एक्सिस के ऊपर आधे एक्स एक्सिस के नीचे होते हैं। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ एंड कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, इनका ग्राफ आप ऑब्जर्व करो, ये आधा एक्स एक्सिस के ऊपर और आधा एक्स एक्सिस के नीचे होता है। और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये इंटायरली अबव एक्स एक्सिस होता है। ये ग्राफ जो है इंटायरली अबव एक्स एक्सिस। आधा ये आधा x एक्सिस के ऊपर आधा x एक्सिस के नीचे, देख लो बच्चा, है ना। तो जो ग्राफ आधे x एक्सिस के ऊपर आधे x एक्सिस के नीचे है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कि साइन इनवर्स माइनस x जो होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो आधे मतलब इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर है, इनका क्या होता है, ये कॉस इनवर्स, तो जो ग्राफ इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो ये याद रखना है, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो है ये पाई माइनस
sec इनवर्स x के इक्वल होता है एंड cot इनवर्स माइनस x जो है ये पाई माइनस cot इनवर्स x के इक्वल होता है। नोट डाउन। तो ये दो तरह के फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं, नोट करो फटाफट। इफ यू वी कैन प्रूव इट ग्राफिकली एज वेल, और प्रूव कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन ये ऑड फंक्शन है, बाय द वे ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में तो ऐसा होता ही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, सॉल्व करो। सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इवेल्युएट कर सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ कॉस इनवर्स साइन माइनस फाइव, आंसर करो।